वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिनिशा और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अजियो से कुछ अफोर्डेबल हील्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूँ, इन हील्स का जो भी लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इन केस अगर आपको अच्छा लगता है और आप ये परचेस करना चाहते हो तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो हील्स है वो है ये बाय द ब्रांड शुटोपिया। आप देख सकते हो ये इस तरह के डब्बे में आया था, प्लास्टिक के रैप में, ऐसे डब्बे में। तो जो ये हील्स है ये है ब्लैक कलर की हील्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से है। आप देखो ये बहुत ही अच्छी ब्लैक शाइनी हील्स है। अगर आप एथनिक पहनते हो, इंडियन वेयर पहनते हो, तो इसकी हील्स देखो आप, इतनी परफेक्ट हील है। और सबसे अच्छी बात है कि ये ब्लॉक हील है, आपको पेंसिल हील नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत लोग का होता है पेंसिल हील में उतना कम्फर्टेबल फील नहीं करते हैं, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसलिए ये ब्लॉक हील है तो आपको वैसा इशू नहीं आएगा, आप इसे आराम से वेयर कर सकते हो, आराम से कैरी कर सकते हो, आपको कुछ भी इशू नहीं आएगा। इसका जो सोल है वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है। ऑल तो ये आपको हल्का स्लिपरी मिलेगा, बट यहाँ की जो सोल है वो बहुत ही कम्फर्टेबल है। अगर आप फ्रंट से इसे देखो तो आपको बहुत अच्छे से ब्लैक कलर की शाइनी विथ गोल्डन हिंट के साथ आपको इसमें डिजाइनिंग मिल जाएगी। इसका पैटर्न, इसकी जो अंदर की ये है, ये जो आपके पैर पे जो टच होगा वो भी बहुत अच्छे से, बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि वो हल्का सा भी रफ है कि आपके पैर को कटे चुभे, वैसा कोई भी नहीं है। इसकी फिनिशिंग बहुत सही है। अगर हम फर्स्ट बैंड की बात करें जो ऊपर में आपके टोप के पास आएगी, फिंगर्स के पास, तो ये जो बैंड है ये भी बहुत सही है। ये जो पॉइंटेड इन्होंने दिया है वो भी परफेक्ट आई है। मेरी साइज जो है वो है 36 है इसमें, तो मेरे को परफेक्ट 36 साइज आई है। इसमें आपको साइज का इशू नहीं आएगा कि आपको एक साइज ऊपर या एक साइज नीचे लेना पड़े, वैसा कुछ नहीं है, परफेक्ट साइज है। और शुटोपिया एक बहुत अच्छा ही अच्छा ब्रांड है, जिसमें से मैंने जब भी कुछ फुटवेयर मंगाया है मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मतलब मेरे को कभी भी साइज इशू या फिर उसके सोल के इशू या फिर मेरे को पहनने में कंफर्टेबल फील ना हो रहा हो, ऐसा जनरली मेरे साथ हुआ नहीं, इसलिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगा था। और अच्छे खासे डील पे भी मेरे को ये मिल गया था। तो आप देखो ये इस तरह से है, हील्स भी अच्छी है। इसकी अगर मैं लोअर की बात करूँ, जहाँ इस सोल के ऊपर वाले पार्ट की बात करूँ, तो ये भी जो है ये बहुत ही अच्छी से अच्छा है, कंफर्टेबल है। ऑल तो आपको वो उतना फोमी फिनिश नहीं आएगा, बट स्टिल बहुत अच्छे से ये कंफर्टेबल इन्होंने इसका सोल प्रोवाइड किया है। आपको हल्का सा भी पैरों में या फिर हील्स में पेन नहीं होने जा रहा है। तो आप देखो ये इस तरह से है, मेरे को ये हील बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप कुछ ट्रेंडी क्लासी एथनिक वेयर पे पहनने के लिए देख रहे हो तो आई एम श्योर यू शुड गिव इट अ ट्राई। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अच्छा है। सो या दिस इज द फर्स्ट हील दैट आई हैव। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड हील। तो सेकेंड हील जो है वो भी है बाय द ब्रांड शुटोपिया। तो मुझे जो ये सेकेंड वाली है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अगर आप एथनिक या फिर किसी पे पहनना चाहते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही सही और मेरे को बहुत अच्छा लगा है। वो है ये इस तरह से है, आप देखो इसकी जो सोल है वो भी बहुत सही है, मतलब हल्का भी स्लिपरी नहीं है, तो आपको ऐसा इशू नहीं आएगा कि ये बहुत जल्दी स्लिप हो जाएगा। इसका जो बेस है वो भी बहुत ही फोमी फोमी और कंफर्टेबल है, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है ये वाला। आप देखो ऐसे प्रेस करने पर भी अच्छे से प्रेस हो जा रहा है, बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही सही से आपके पैरों को फिट भी हो जाता है। इसमें जो ये टो पार्ट वाली है वो भी बहुत ही प्रिटी लगती है पहनने के बाद। यहाँ पर जो ऐसे एम्ब्रॉयडरी दी गई है, थ्रेड वर्क है, वो भी बहुत ही क्लासी और बहुत ही ट्रेंडी लगता है। अगर आप इसे परचेज करोगे तो ये जिस प्राइस में मेरे को मिली है, मेरे को लगता है कि ये इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ही क्लासी और बहुत ही एक्सपेंसिव दिखती है ये वाली। तो मैं तो ये तो हाईली रिकमेंड करूँगी अगर आपको कुछ एथनिक में चाहिए, अगर आप ऐसा पहनना चाहते हो, इस टाइप के स्लीपर्स में आप कंफर्टेबल हो, तो आई सजेस्ट आप जरूर ये एक बार परचेज करके देखो। मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही क्लासी लुक देती है, हर चीज़ में मेरे को बहुत अच्छी लगी। आप कहीं भी जाओ, एथनिक पे पहन सकते हो कुर्ती, ये जीन्स पे भी, आजकल जीन्स कुर्ती आप पहन रहे हो उस पर भी इसे ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही ड्रेस के साथ जाएगा या फिर किसी एक लुक के साथ जाएगा, ऐसा नहीं है, ये मल्टीपर्पज आप इसे पहन सकते हो आराम से। सो या दिस इज द सेकेंड वन और ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप एक बार इसे जरूर ट्राई करो और इसकी जो प्राइस रेंज है वो भी बहुत सही आई थी। सो मूविंग बैक टू द थर्ड वन, द थर्ड एंड द लास्ट वन, जो थर्ड हमारी स्लीपर है वो है
स्लिपर नहीं सैंडल आप बोलो, ये हील्स नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बाय द ब्रांड अजियो है। आप देखो इसका जो बेस है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सही और बहुत ही क्लासी लगता है। ये मैंने अपनी मम्मी के लिए मंगवाया है। अगर आप इसे ऐसे देखो, इसका जो फ्रंट में जो लुक है, आप जूम इन करके देख लो इसका, कितने अच्छे से इस पे जो छोटे छोटे वाले मोती होते हैं ना, उनसे उनसे डिजाइनिंग दी गई है, उनसे ये सारा पैटर्न जो है वो है, थ्रेड से अच्छे से इन्हें बांधा गया है। ये बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही क्लासी दिखता है अगर आप इससे पहनो तो। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है, आप अगर फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कोई अच्छे से फ्लैट चाहते हो जो आप एथनिक पे पहन सको, कुर्ती पे पहन सको या साड़ी पे पहन सको, तो आई एम श्योर आप ये परचेज कर सकते हो। इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है, ब्लू ग्रीन मिक्स करके इन्होंने इस पर पैटर्न बनाया है ये छोटे छोटे मोतियों से, तो ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। ये भी देखो आप, इसका जो टो वाला एरिया है वो भी बहुत अच्छा है, इसका जो बेस इन्होंने दिया है वो भी बहुत ही कंफर्टेबल है। जो इसकी बैक की बात करूँ तो बैक भी जो है वो भी बहुत ही अच्छा है, मतलब ये चीज़ नहीं कि आपके तुरंत में स्लिपरी हो जाएगा या वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। सो या दिस वन इज द थर्ड एंड द लास्ट वन। इसके अगर आप इधर देखोगे बैक पार्ट में यहाँ पर भी, तो भी आपको कुछ वैसा चुभने वाला या फिर पैरों को कटने वाला कोई भी वैसा पैटर्न नहीं है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सही और बहुत ही कंफर्टेबल लगता है पहनने पे। तो आई एम श्योर आपको एक बार इसे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस बार मैंने जितने भी हील्स मंगवाए ना, मेरे को सारे पसंद आए। मुझे किसी में भी कोई ऐसा डिफेक्ट टाइप का, या फिर क्योंकि जिस प्राइस में मैंने मंगवाए हैं सारे को, मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट अजियो से हमेशा अच्छी क्वालिटी के हील्स आते हैं या स्लीपर्स आते हैं। सो या दिस इज द थर्ड वन। आप इसका एक बार फिर से क्लोज लुक देख लो, ये इस तरह से है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी लगी है। सो या दिस वॉज द थर्ड हील। तो ये थे मेरे टॉप थ्री, और अगर मेरे को आप पूछो कि इन तीनों में से मुझे कौन सी हील सबसे अच्छी लगी थी, तो मेरे को सबसे अच्छी एक्चुअली ये वाली लगी थी, क्योंकि ये तो मैंने अपने लिए मंगवाई है, तो ऑब्वियसली मेरे को यही अच्छी लगेगी। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपको कोई परचेज करना है तीनों में से, आई सजेस्ट आप इसे एक बार बाय करके देखो, आई एम श्योर यू विल लव इट, क्योंकि ये पैरों पर भी जितनी प्यारी लगती है मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। सो या दिस इज इट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको लगता है कि किन्हीं को शॉपिंग करने में या फिर किस इन तरह के हील्स शूज में इंटरेस्ट होगा, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।